किसानों ने पंजाब के बरनाला में रेलवे ट्रैक को किया जाम, बड़ी संख्या में धरने पर बैठे किसान। पंजाब के जलंधर में भी सड़कों पर उतरे किसान, किसानों ने ट्रैफिक जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का किया आह्वान, आज दिन भर किसानों का प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों ने आज भारत बंद का किया ऐलान, सुबह 6 से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों का धरना। 40 किसान संगठनों का भारत बंद, आज दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसानों का धरना। किसानों का ऐलान, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने तक जारी रहेगा आंदोलन, राकेश टिकैत ने कहा तैयार रखें ट्रैक्टर। हरियाणा के पानीपत से राकेश टिकैत की नई धमकी, कहा पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा आंदोलन, जितनी जल्दी कृषि कानून वापस होगा सरकार के लिए उतना अच्छा। राकेश टिकैत ने कहा सरकार से लड़ाई में नहीं पड़ेंगे कमजोर, जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां पड़ेगी वोट की चोट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, विपक्षी दलों ने भी किया बंद का समर्थन। कांग्रेस ने भारत बंद को समर्थन दिया है, जहां आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद को विपक्षी पार्टियों का समर्थन, भारत बंद को एसपी बीएसपी का समर्थन। कई राज्यों की सरकारों ने किया बंद का समर्थन, आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु की सरकारें बंद को दे रही हैं समर्थन। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस अलर्ट, दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लाल किले पर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स, सभी थानों को निर्देश, जरूरत पड़ने पर संदिग्ध को हिरासत में लिया जा सकता है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, भारत बंद के दौरान सरकारी और निजी दफ्तरें, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बंद के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज चालू, आपात प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, दवा की दुकानों को बंद से रखा गया बाहर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कहा आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, किसानों की कोई बात बची है तो सरकार जरूर सुनेगी। सीपीआईएम के दस्तावेजों से खुलासा, केरल में बढ़ रहे हैं तालिबान समर्थक, पढ़ी लिखी महिलाएं निशाने पर। तालिबान राज में लौटा, फांसी के साथ हाथ काटने जैसी बर्बर सजा, गुस्से में बोला अमेरिका, तुम्हारी कथनी और करनी दोनों को देख रहे। तालिबान का दावा, जल्द ही दुनिया देगी मान्यता, संयुक्त राष्ट्र से चल रही है बातचीत। रूस ने तालिबान को दिखाया आईना, कहा समावेशी सरकार बनाएं जिसमें सभी का हो प्रतिनिधित्व। ट्विटर ने तालिबान सरकार पर की बड़ी कार्रवाई, कई मंत्रालयों के अकाउंट से ब्लूटिक हटा दिया है। आज सुबह 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने की ओर बड़ा कदम, कागजी कार्रवाई से भी मिलेगा मरीजों को छुटकारा। दिल्ली में पीएम मोदी ने लिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण, निर्माणाधीन साइट का लिया जायजा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर करीब 1 घंटे तक रुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नए संसद भवन के निर्माण स्थल का किया दौरा। भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, पार्टी के 80 नेता भवानीपुर विधानसभा के 80 अलग अलग इलाकों में करेंगे प्रचार। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन, सीज फायर पर समझौते के बाद पहली बार उल्लंघन, इसी साल फरवरी में हुआ था सीज फायर पर समझौता। पंजाब कांग्रेस में कैबिनेट ऐलान के बाद दो और विधायकों ने की बगावत, मंत्री पद से हटाए गए बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा मेरा सियासी कत्ल हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा आज का विस्तार हर तबके को प्रतिनिधित्व और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अवसर प्रदान करने की मंशा से ओतप्रोत। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बोले जितिन प्रसाद व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सम्मान की बात, सभी को साथ लेकर चलने की करूंगा कोशिश। अखिलेश यादव ने योगी मंत्रिमंडल विस्तार को बताया छलावा, कहा 4.5 साल में जिनका हक मारा उन्हें प्रतिनिधित्व देने का रचा जा रहा है छलावा। लखनऊ में हुआ योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभवन में सबसे पहले जितिन प्रसाद ने ली कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ। छत्रपाल गंगवार ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली, बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक हैं छत्रपाल गंगवार, कुर्मी समुदाय का करते हैं प्रतिनिधित्व। यूपी के बलरामपुर से विधायक पलटू राम ने भी राज्य मंत्री की शपथ, गाजीपुर सदर से पहली बार विधायक बनी संगीता बलवंत बिंद भी बनी मंत्री। सोनभद्र के ओबरा से विधायक संजीव कुमार गौंड बने राज्य मंत्री, तो मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक भी मंत्री बने। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए धर्मवीर प्रजापति, राज्यपाल आनंदी बेन ने दिलाई राज्य मंत्री की शपथ, विधान परिषद सदस्य हैं धर्मवीर प्रजापति। बलरामपुर से विधायक पलटू राम के राज्य मंत्री बनने पर परिवार में खुशी की लहर, परिजनों और समर्थकों ने घर पर की आतिशबाजी, लोगों में मिठाइयां भी बांटी। यूपी विधान परिषद सदस्यों के लिए योगी सरकार ने राज्यपाल को भेजे 4 नाम, जितिन प्रसाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह गुर्जर, गोपाल अंजान और संजय निषाद बनेंगे एमएलसी।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, आज से उत्तर प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। लखनऊ में प्रियंका 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, लखनऊ के बाद मेरठ रवाना होंगी प्रियंका। उत्तर प्रदेश में फिर दिखी भाईजान की नफरत वाली सियासत, कानपुर में वैसी का भड़काऊ बयान, कहा अपना नेता नहीं तो मुसलमानों की कोई औकात नहीं। यूपी के कानपुर में जमकर गर्जी AIMIM चीफ ओवैसी, कहा सपा बसपा और कांग्रेस की चुप्पी का मतलब समझे मुसलमान, अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए वोट देकर अपना हक ले मुस्लिम। कानपुर में ओवैसी ने सीए NRC आंदोलन में मारे गए लोगों को बताया शहीद, कहा उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार मुस्लिम निभाएंगे बड़ी भूमिका। महंत नरेंद्र दे की मौत के मामले में सबूत जुटाने की तलाश हुई तेज, आज दोबारा मठ जाएगी फॉरेंसिक विभाग की टीम। मठ में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी फॉरेंसिक विभाग की टीम, बलबीर गिरी से भी होगी पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में अब प्रयागराज के एक आश्रम पर टिकी CBI की सुई, आश्रम में अक्सर जाया करते थे महंत नरेंद्र गिरी। और महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत पर जी मीडिया का बड़ा खुलासा, 10 साल में 3 बार लिखी वसीयत, CBI ने आनंद आद्या और संदीप तिवारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी है।